उत्तराखंड ने एक युवती साथ सोशल मीडिया पर मित्रता कर्या बाद कानपुरना तुषार गुलाटी नामना युवके तेने कानपुर बोलावी हर्षनो शिकार बनावी हती। लग्नना बहाने युवतीना आधार कार्ड सामे लोन पर लेवामां आवी हती। तुषारे तेनी पासेथी रोकड़ पर पड़ावी लीधा होवाना आक्षेपो करवामां आव्या छे। पीड़िताए पोतानो दर्द व्यक्त कर्यो हतो। मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है, मतलब मैं किसी के साथ रहती थी रिलेशनशिप में। पहले तो वो बोलता रहा मैं उससे शादी करूंगा शादी करूंगा शादी करूंगा, और 2-2.5 साल रहने के बाद मुझे इसने अपने मायके ये बोल के भेज दिया कि अभी मैं बहुत परेशान हूँ, आप चले जाओ, जब मैं सही हो जाऊंगा तो मैं बुला लूंगा। उस दौरान मुझे अभी 2 महीने पहले पता चला है कि वो किसी और के साथ रहने लगा है, और जब मैंने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करी, बात करने की कोशिश करी, उसने मेरे सारे नंबर ब्लॉक कर दिए। उससे मेरी कोई बात नहीं हो रही है, और इस समय ना तो मेरी प्रॉब्लम कोई समझ पा रहा है ना मेरा कोई साथ दे रहा है। समस्याएं क्या, जब घर नहीं है, रहने की जगह नहीं है, बच्चों के साथ सफर करना पड़ रहा है, और जो मेरे पास पैसे थे वो मैंने इसको पहले ही दे दिए। ये मेरे से पैसे अक्सर लेता रहा है, और बाद में इस समय जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसने मेरे नाम से लोन करा रखे हैं। लोन इसने छोटे छोटे कई कराए हैं, जिनके मेरे पास बार बार फोन आते हैं और लीगल नोटिस आ रहे हैं, जिनका मैं फेस नहीं कर पा रही हूँ। इस समय होगा कम से कम 5-6 लाख का होगा जी। मैं अभी कानपुर में आई हुई हूँ और उत्तराखंड से आई हुई हूँ, और अभी तक मुझे कोई चीज के लिए सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तुषार गुलाटी नाम है और मुझे वो फेसबुक से मिला था। मैं इस समय ये कौन सा DCP ऑफिस है, यहाँ आई हुई हूँ मैं। हाँ जी, मुलाकात हुई है, उन्होंने मुझे आश्वासन ये दिया है कि संडे को FIR होगी जी। कार्रवाई नहीं होती फिर तो मुझे और कुछ ना कुछ करना पड़ेगा।